वेलकम टू डाटेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल थिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यूजफुल भी है। तो आप मेरे हाथ में जे एक पुराना कार्ड दे सकते हैं, जिसमें जे आईसी का नंबर S5888 है। तो कई कई डीवीडी कार्ड में जे आईसी का नंबर AM5AAH भी हो सकता है। तो ये एक पुराना डीवीडी कार्ड है जो कि ख़राब हो चुका है, लेकिन इसका जो कई पार्ट्स हैं वो वर्किंग में हैं। तो इसे हम बताएंगे कि कैसे इसका हमने रीयूज़ करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि हम अपने घर में कई पुराने जो कि पार्ट्स होते हैं उसका हम कैसे रीयूज़ करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं कि मेरे सामने ये एक पुराना डीवीडी कार्ड पड़ा है। तो इसका मैंने और भी कई तरह से यूज़ करना बताया है। तो अभी तक आपने जो मेरी पिछली वीडियो है वो नहीं देखी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें इस जो आईसी है इसको निकालना होगा बोर्ड में से। तो इसके लिए मैंने इस हफ्ते पहले जो फ्लक्स को इस्तेमाल किया है, तो उस फ्लक्स की हेल्प से हम इस आईसी को इस बोर्ड में से निकालेंगे। तो बहुत ही केयरफुली से आपको इस आईसी को हैंडल करते हुए निकालना है, क्योंकि ये एक SMD आईसी है। तो अगर आपके पास SMD मशीन अवेलेबल है तो उससे भी आप इस आईसी को उतार सकते हैं। तो इसे उतारने के लिए मैंने एक शोल्डरिंग आयरन का ही यूज़ किया है। तो अब आते हैं हम इस आईसी के मेन टॉपिक पर। तो इस आईसी की सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और उससे पास का बेल आइकन भी ऑन कर दें। तो चलिए अब बताते हैं। तो बिना टाइम के देरी करते हुए मैंने इस आईसी को पहले ही निकाल रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कैसे जे वायरिंग कर रखी है। तो बताते हैं कि इसकी कैसे वायरिंग करनी है। तो इसके लिए आप सर्किट डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज़रा जानकारी के लिए मैं आपको इसकी एक एक डिटेल बता दूंगा। तो जहां देख सकते हैं कि ये एक आईसी है AM5888S का, जो 12 वोल्ट है जिसकी मेन सप्लाई है, तो 5 वोल्ट उसकी सेकेंडरी सप्लाई है, जहां जो फॉरवर्ड और रिवर्स है, जहां से हम इनपुट देंगे। आप इसे डिजिटल भी दे सकते हैं और एनालॉग इनपुट भी दे सकते हैं। तो इसकी जो आउटपुट है वो M+ और M- से निकलेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो पिंस, जहाँ जो इस आईसी की पिंस दी गई है, तो पिन नंबर 706 है वो इसकी इनपुट पिन है, जो कि डिजिटल सिग्नल देंगे एज इनपुट। तो पिन नंबर 9 और 10 इसकी जो आउटपुट पिन है। तो पिन नंबर 22 जो है वो इसका ग्राउंड सेक्शन है। तो पिन नंबर 19 है जो इसकी सेकेंडरी सप्लाई है, जो कि 5 वोल्ट होती है, जो कि एक डिजिटल सिग्नल के लिए भी आइडल सप्लाई होती है। तो अब मैं बताऊंगा कि इसकी वर्किंग। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक जो SMPS पड़ा है, इसे भी मैंने पुराने DVD प्लेयर से ही निकाला है। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पावर सप्लाई मॉड्यूल के लिए। तो इससे मैं सबसे पहले जो इसकी 12 वोल्ट है उस सप्लाई को जहाँ पर इनपुट करूँगा। तो ये हमने इसकी जो 12 वोल्ट है उसको इनपुट कर दिया है। तो अब बात है आती है इसकी जो कि ग्राउंड सेक्शन की। तो ये वाली इनपुट हम इसके जो ग्राउंड सेक्शन है, जो कि पिन नंबर 22 है, उसमें इसको इनपुट करेंगे। तो ग्राउंड का ख़ास तरह से ध्यान रखना कि ये जो ग्राउंड है इसके ग्राउंड पर ही इनपुट हो, नहीं तो आपका जो आईसी है
जो ख़राब हो सकता है। तो अब हम इसकी जो 5 वोल्ट है, जो कि हम इसके 5 वोल्ट के पिन में देंगे, वोल्टेज है वो 5 वोल्ट से हाई ही रहनी चाहिए, और जो सेकेंडरी है वो 5 वोल्ट ही रहने चाहिए मिनिमम। द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप इसकी इनपुट सप्लाई पर कैपेसिटर का यूज़ ज़रूर करें। अब हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन सर्किट डायग्राम है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बताते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पुश बटन का भी यूज़ कर रहा हूँ। इन पुश बटन का जो यूज़ है वो इनकी आईसी की इनपुट पिन पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें। तो बहुत ही केयरफुली से इसे मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो जहाँ जो इसकी 5 वोल्ट सप्लाई है वो इसकी एक्चुअली इनपुट पिन पर भी देनी है, तभी जे इसको सिग्नल रिसीव होगा। तो ये हम एक तरह से एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं, जो कि डायरेक्ट 5 वोल्ट से दिया जाएगा। तो अड्रिनो में कैसे इसका यूज़ करना है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अब बारी आती है इसकी जो इनपुट सप्लाई देने की। एक्चुअली ये हम जहाँ पर जो सप्लाई है वो एक एनालॉग सिग्नल की तरह इसको देंगे। तो जहाँ जे मैंने एक जंपर वायर का जो इस्तेमाल किया है, जो कि इसकी सीधी 5 वोल्ट पिन पर जाएगी, तो जहाँ से इसे एनालॉग सिग्नल मिलेगा, तो डिजिटल सिग्नल भी मैं आपको इसका देखकर बताऊंगा, जो कि आपको आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इसको डिजिटल सिग्नल भी देना है। तो चलिए बताते हैं कि अब हम इस पर जो आउटपुट के लिए जहाँ पर 2 LED का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि इस पर जो आउटपुट पिन है उस पर हम LED को कनेक्ट करके इसका जो आउटपुट सेक्शन है उसकी वैल्यू को भी हम चेक करेंगे कि ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए बताते हैं। फाइनली सर्किट हमारा अब रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जो टेस्टिंग करते हैं, तो जहाँ देख सकते हैं कि इस बटन को जैसे मैंने प्रेस किया तो ये जो LEDs हैं वो ग्लो करने लगी। तो ये जो LED है इस पे हम जो एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं जो कि 5 वोल्ट है, तो ये इसका एज ए ऑन ऑफ स्विच के भी इस्तेमाल कर रहा है। तो चलिए बताते हैं कि ये कैसे वर्किंग करेगा एक DC मोटर के साथ। तो जब जब मैं इस पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक 5 वोल्ट का सिग्नल इसे दे रहा है AC को, जो कि एक एनालॉग सिग्नल है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। तो अब हम इस सर्किट में एक DC मोटर को भी कनेक्ट करके बताएंगे कि कैसे जे एक मोटर ड्राइवर IC एक मोटर को रन करेगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस IC का इस्तेमाल एज ए मोटर ड्राइवर भी किया जा सकता है। तो मेरे हाथ में ये एक 6 वोल्ट DC मोटर है। तो फ़िलहाल इसके लिए मैं इस जो मोटर है उसका इस्तेमाल करूँगा, जो कि एक पुराने DVD प्लेयर में से ही मैंने निकाली है। तो इससे हमें सबसे पहले इसके आउटपुट सेक्शन पर कनेक्ट कर लेना है। द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप इसकी जो पिन्स है, जो कि आउटपुट पिन है उस IC की, इसका आप खास तरह से ध्यान रखें कि आप इसमें ये शॉर्ट ना हो, नहीं तो इसका जो IC है वो ख़राब हो जाएगा। तो
अब हम इस मोटर को इससे कनेक्ट करेंगे। तो हमने जहाँ इस मोटर को कनेक्ट कर लिया है, तो ये देखिए जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो जहाँ देख सकते हैं आप। तो अब मैं इस जब बटन को प्रेस करता हूँ तो जो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में रोटेट करती है। इस तरह से ये जो मोटर ड्राइवर आईसी है वो वर्क करता है। तो अब और अच्छी तरह समझने के लिए, तो ये इसका फॉरवर्ड, ये इसकी फॉरवर्ड पिन जो कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इसकी जो लाइट ग्लो कर रही है, तो ये इसकी रिवर्स बटन को जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो फिलहाल गाइस इस तरह से ये जो मोटर ड्राइवर आईसी है वो वर्क कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक मोटर ड्राइवर आईसी का, जो कि एक पुराने ओल्ड स्क्रैप्स पार्ट में से मैंने निकाला है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी जो सर्किट डायग्राम है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो, आल्सो लाइक ऑन माय वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन इन माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।